नमस्कार आज की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है आज के व्याख्यान का विषय है संसद का व्यापार विश्लेषण संसद का व्यापार विश्लेषण के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे बजट की विभिन्न प्रक्रियाओं की और साथ ही साथ लोकलेखा समिति एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे इसके अलावा मंत्रालय एवं स्थायी समिति के रिपोर्टों का भी मूल्यांकन करेंगे आज हमारे विषय विशे विशेषज्ञ रवि रविशंकर जो वर्तमान में एक न्यूज चैनल में बतौर राष्ट्रीय संपादक कार्यरत हैं और मैं हूँ नमिता धुलिया आज के व्याख्यान में हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं बजट क्या है इसकी समीक्षा करना बजट बनाने की प्रक्रिया की व्याख्या करना संसद में बजट पास करने की प्रक्रिया की विवेचना करना लोकलेखा समिति की व्यवस्था का मूल्यांकन करना महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना मंत्रालय एवं स्थायी समिति रिपोर्ट का विश्लेषण करना बजट बजट जब भी कभी शब्द जहन में आता है हमें तुरंत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बनाया जाने वाला बजट याद आ जाता है जहां हम ये तो जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए किन चीजों पर टैक्स बढ़ाकर उनके मूल्य में वृद्धि कर दी है और किन चीजों पर सब्सिडी के माध्यम से अथवा किसी अन्य तरीके से मूल्य में कुछ कमी करते हुए किस वर्ग के लोगों को राहत दी है लेकिन हम कभी बजट की मूल भावना पर ध्यान नहीं देते हम कभी भी ये सवाल नहीं करते कि आखिर सरकार हर साल बजट को क्यों बनाती है सरकार हर साल बजट बनाकर दो काम करती है अगले वित्त वर्ष में देश के विभिन्न क्षेत्रों उद्योग आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन आदि में किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों में होने वाले खर्चों का अनुमान लगाती है और उन खर्चों को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए समयक उपाय जैसे कि कुछ चीज़ों पर कुछ खास तरह के नए टैक्स लगाने या बढ़ाने अथवा किसी पहले से दी जा रही सब्सिडी को कम या खत्म करने आदि विभिन्न प्रकार के उपाय करती है यानी सरल शब्दों में कहें तो सरकार ये निश्चित करती है कि उसे अगले वर्ष देश के विकास से संबंधित किन चीज़ों पर प्राथमिकता के साथ खर्च करना है और उन खर्चों के लिए धन की व्यवस्था कैसे करनी है आय और व्यय के इसी ब्यौरे का नाम बजट है और प्रत्येक बजट एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है उदाहरण के लिए सरकार अपना बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च के लिए बनाती है आम बजट वित्त मंत्री संसद में एक सालाना वित्तीय विवरण पेश करते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि आने वाले वित्त वर्ष में सरकार कितने पैसे जुटाने की उम्मीद करती है और उसे वो कैसे खर्च करेगी इस बयान को केंद्रीय बजट कहा जाता है सरकार बजट भाषण का इस्तेमाल आर्थिक नीतियों का प्रस्ताव देने के लिए भी करती है संसद में पेश बजट दस्तावेजों में मोटे तौर पर बजट भाषण हर मंत्रालय के विस्तृत खर्च और राजस्व जुटाने के प्रस्ताव से जुड़े कागजात होते हैं इन प्रस्तावों पर लोकसभा की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे अमल किया जा सकता है बजट कैसे तैयार किया जाता है बजट वित्त मंत्रालय के बजट विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है बजट अन्य मंत्रालयों और योजना आयोग जो अब नीति आयोग है के साथ बातचीत के बाद तैयार किया जाता है बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री और बड़े अधिकारी निजी क्षेत्र गैर सरकारी संगठनों और दूसरी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मिलते हैं ताकि बजट से उनकी उम्मीदें जानी जा सकें। सबसे बात करने के बाद सरकार सभी तरह के खर्च और आय का हिसाब लगाकर बजट बनाती है लोकसभा में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री को कैबिनेट के सामने बजट प्रस्तावों के बारे में बताना पड़ता है बजट प्रक्रिया के आखिरी चरण में क्या होता है खर्चों के अलग अलग मद पर वोटिंग के बाद सरकार की तरफ से एक अप्रोप्रिएशन बिल पेश किया जाता है जिस पर भी वोटिंग होती है इस बिल के जरिए सरकार को संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च करने का अधिकार मिलता है कंसोलिडेटेड फंड वो फंड होता है जिसमें सरकार की राजस्व से होने वाली हर तरह की कमाई ब्याज से होने वाली कमाई और कर्ज के जरिए जुटाई गई रकम जमा होती है इसके बाद सरकार फाइनेंस बिल लाती है जिसे लोकसभा में पास किया जाता है मान लीजिए सरकार को साल में फिर कभी खर्च के लिए अतिरिक्त पैसों की जरूरत पड़ती है जिसके लिए वोटिंग नहीं कराई गई है तो वो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश कर सकते हैं सिर्फ लोकसभा के पास ही बजट को पास करने का अधिकार है राज्यसभा सिर्फ संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है जिसे लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी एक नजर में भारतीय रेल बजट। दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से भारतीय रेल के लिए भी हर साल अलग से बजट पेश किया जाता है। आम बजट बजट की तरह रेल भी रेलवे के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है रेल बजट पर आम लोगों की ज्यादा नजर रहती है लोग विशेष रूप से यह जानने को उत्सुक रहते हैं कि कहीं यात्री किराए में बढ़ोतरी तो नहीं हो गई और ये भी कि किस प्रदेश को कितनी नई ट्रेनों की सौगात मिली और ट्रेनों में विभिन्न सुविधाओं के लिए क्या किया गया विशाल रेलवे नेटवर्क की तरह ही रेलवे का बजट भी विशाल ही होता है आने वाले एक वर्ष में क्या नया होना है और क्या रियायत मिलने वाली है इसका लेखा जोखा ग्राफिक्स के जरिए काफी आसानी से समझा जा सकता है आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश न करके अलग अलग क्यों पेश किए जाते हैं संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के सामने भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राप्तियों और वय का विवरण रखवाएंगे, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है ये बजट सामान्यतः फरवरी की अंतिम तिथि को पेश किया जाता है और एक अप्रैल से लागू होता है यदि किसी कारण से वर्ष का बजट पेश ना हो सके तो सरकार को जरूरी खर्च के लिए संचित निधि में से धन निकालने के लिए अनुच्छेद 116 के अंतर्गत संसद अनुदान मांगे पास कर सकती है भारतीय रेल भी सरकार का उपक्रम है इसका अलग बजट बनाने की परंपरा सन 1924 से शुरू हुई है इसके लिए 1920-21 में बनाई गई विलियम एम एकवर्थ कमेटी ने रेल बजट को सामान्य बजट से अलग पेश करने का सुझाव दिया था 1920-21 में सरकार का कुल बजट 180 करोड़ का था जबकि इसमें बयासी करोड़ रुपए का रेल बजट था अकेला रेल विभाग देश की अकेली सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि संचालित करता था इसलिए उसका बजट अलग तैयार करने का सुझाव दिया गया अब अनेक विशेषज्ञ रेल बजट को आम बजट का हिस्सा बनाने का सुझाव देते हैं रेल बजट आम बजट से दो दिन पहले पेश किया जाता है और आम बजट में रेलवे की प्राप्तियों और व्यय का विवरण दिया जाता है कौन बनाता है बजट बजट की निर्माण प्रक्रिया कई मंत्रालयों के आपसी मशवरे के साथ शुरू होती है इस प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय नीति आयोग और शासकीय व्यय से जुड़े मंत्रालय शामिल होते हैं वित्त मंत्रालय वय को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी करता है इसके आधार पर ही मंत्रालय अपनी अपनी डिमांड रखते हैं वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का एक डिवीजन बजट बनाने से जुड़ी नोडल बॉडी है कैसे बनता है बजट सितंबर महीने में वित्त मंत्रालय का बजट डिवीजन सभी केंद्रीय मंत्रालयों राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों स्वायत्त संस्थाओं विभागों और डिफेंस फोर्सेस को एक सर्कुलर जारी करता है पूरे वित्त वर्ष में होने वाले कुल व्यय का आंकलन करने के लिए इस सर्कुलर के जरिए सबकी डिमांड पूछी जाती है मंत्रालय और सभी विभाग जब अपनी डिमांड भेज देते हैं तो इसके बाद वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का मंत्रालयों और विभागों के साथ गहन सलाह मशवरा होता है इसी दौरान डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसानों व्यापारियों इंडस्ट्रियों से जुड़े लोगों समाज के बुद्धिजीवियों आदि से बजट पर उनकी राय लेता है जनवरी के आखिर तक बजट से जुड़ी शुरुआती मीटिंग खत्म हो जाती है इसके बाद टैक्स प्रपोजल पर वित्त मंत्री आखिर फैसला लेते हैं बजट का आखिरी मसौदा तय करने से पहले विभिन्न प्रस्तावों पर पीएम की भी राय ली जाती है कैसे पेश होता है बजट सरकार बजट पेश करने के लिए एक तारीख सुझाती है इसके बाद लोकसभा सचिवालय के सेक्रेटरी जनरल राष्ट्रपति की इस पर मंजूरी मांगते हैं बजट पेश किए जाने वाले दिन सुबह में केंद्र भारत के राष्ट्रपति को बजट का सारांश भेजकर मंजूरी मांगता है इससे पहले इससे जुड़ी दस्तावेजों को वित्त मंत्री और पीएम मंजूरी देते हैं वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं इसमें वे अहम बिंदुओं और प्रस्तावों का जिक्र करते हैं बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री अपने कैबिनेट को इससे जुड़ी अहम बिंदुओं की जानकारी देते हैं वित्त मंत्री के बजट भाषण के दो हिस्से होते हैं पहले हिस्से में आर्थिक सर्वेक्षण और नीतिगत घोषणाओं का ऐलान होता है दूसरे हिस्से में टैक्स से जुड़ी घोषणाएं होती हैं वित्त मंत्री के भाषण के बाद राज्यसभा के पटल पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखा जाता है कैसे पास होता है बजट जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती हालांकि कुछ दिनों बाद बजट पर दो हिस्सों में चर्चा होती है पहला हिस्सा है जनरल डिस्कशन ये लोकसभा में दो से तीन दिन चलती है बहस के बाद वित्त मंत्री जवाब देते हैं फिर वित्त वर्ष के शुरुआती महीनों में व्यय पर संसद की रजामंदी ली जाती है इसके बाद कुछ सीमित वक्त के लिए सदन की कार्यवाही रोक दी जाती है अब बारी आती है विस्तृत बहस की हालांकि सदन की कार्यवाही में ब्रेक के दौरान अनुदान से जुड़ी विभिन्न मांगों पर संबंधित स्टैंडिंग कमेटियां विचार करती हैं सदन की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की ओर से तय शेड्यूल के हिसाब से इन मांगों को एक एक कर सदन में रखा जाता है सदन का कोई भी सदस्य वितरित अनुदान में कटौती की मांग कर सकता है इसके लिए वो तीन तरह के कट मोशन ला सकता है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट इकोनॉमी कट टोकन कट अनुदान की मांग को लेकर होने वाली बहस के आखिरी दिन स्पीकर सभी मांगों को वोटिंग के लिए सदन में रखते हैं इसके बाद लोकसभा में अप्रोप्रियशन बिल वोटिंग के लिए पेश किया जाता है इसके पास होने पर ही सरकार को भारत की जमा पूंजी खर्च करने का अधिकार मिलता है अप्रोप्रिएशन बिल के बाद फाइनेंस बिल पर विचार किया जाता है संसद इसे मनी बिल के तौर पर पास करती है बिल पेश किए जाने के 75 दिन के अंदर इसे दोनों सदनों और भारत के राष्ट्रपति की, की मंजूरी की जरूरत होती है फाइनेंस बिल के पास होने और राष्ट्रपति के इस पर दस्तखत होने के बाद बजट प्रक्रिया संपन्न हो जाती है लोक लेखा समिति लोक लेखा समिति भारतीय संसद की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक है इसका मुख्य काम सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना है इसका आधार हमेशा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ही होती है यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जाँच करती है लोक लेखा समिति की रूपरेखा क्या होती है 1967 तक लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता था लेकिन इसके बाद से हमेशा इसका अध्यक्ष विपक्ष से होता है विपक्षी दलों की राय से लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है इसमें अधिकतम 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 लोकसभा के सांसद होते हैं और शेष 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं जो एक वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य नहीं हो सकते समिति की बैठकों में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी भाग लेता है और समिति की सहायता करता है लोक लेखा समिति की रिपोर्ट किस तरह की होती है आमतौर पर इसकी रिपोर्ट में सिफारिशें होती हैं, जो तकनीकी रूप से भारत सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होतीं। लेकिन सामान्य रूप से इसकी सिफारिशों को गंभीरता से लिया जाता है और उन पर सरकार संसद में कार्यवाही नोट्स भी रखती है लोकसभा समिति को सरकार की कार्यवाही नोट्स की समीक्षा करने का भी अधिकार है और उसके आधार पर जांच के लिए अनुमोदन का भी अधिकार इस समिति को है राजनीतिक हंगामे लोकलेखा समिति की रिपोर्ट हर साल सुर्खियों में रहती है खासकर 2G कोयला इत्यादि घोटालों की जांच और इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम के चलते ये इतनी ज्यादा में बनी रहती है इसे प्रांकलन की बहन कहते है? लोकलेखा समिति को प्रांकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है ऐसा इसीलिए है क्योंकि दोनों समितियों के कार्य एक दूसरे के पूरक है प्रांकलन समिति जहां सार्वजनिक यानी सरकारी व्यय के अनुमानों संबंधी कार्य करती है लोक लोकलेखा समिति मुख्यतः भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का खर्च दर्शाने वाले लेखाओं की जांच करती है लोकलेखा समिति का उद्देश्य इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या धन प्राधिकृत रूप से खर्च किया गया है और उसी प्रयोजन से खर्च किया गया है जिसके लिए वह प्रदान किया गया अतिरिक्त राशि खर्च होने पर यदि किसी वित्त वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उसके प्रयोजन के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशि के अतिरिक्त राशि खर्च की गई हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिनके कारण ऐसा अतिरिक्त व्यय करना पड़ा हो और उसके बारे में ऐसी सिफारिश करती है जो वह उचित समझे ऐसे अतिरिक्त व्यय के विनियमन के लिए सरकार द्वारा उसे सदन के समक्ष लाना भी अपेक्षित होता है जांच के लिए मदों का चयन लोक लेखा समिति अपने जांच के विषयों का चयन करने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की सहायता लेती है जो कि प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाते हैं कमियों और भ्रष्टाचार की निगरानी समिति केवल तकनीकी अनियमितताओं का पता लगाने में ही रुचि नहीं रखती बल्कि ये राष्ट्र के विभिन्न वित्तीय मामलों के संचालन में अपवय भ्रष्टाचार अकुशलता या कार्यपालन में कमी के किसी प्रमाण को प्रकाश में लाने में रुचि रखती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरकार का चीफ ऑडिटर है हमारे संविधान में कैग की स्थापना सही गलत की जांच और सरकार को लगातार आगाह करते रहने के लिए किया गया है कि सरकार के कोष में जनता के कमाई से संचित धन का उपयोग सही किया जा रहा है या उसमें गड़बड़ी हो रही है सरकारी कोष में जमा धन सार्वजनिक होता है उसका दुरुपयोग रोकना कैग की सबसे बड़ी जवाबदेही है दरअसल कैग का काम सिर्फ सरकारी खर्च में हुई का प्रतिवेदन बनाकर सरकार को देना भर नहीं है बल्कि सरकार को हर कदम पर यह चेतावनी देते रहना भी है कि सार्वजनिक धन का सदुपयोग हो और उसका दुरुपयोग हर स्तर पर रोका जाए इसीलिए भारत के लेखा महानियंत्रक को सार्वजनिक धन का पहरेदार कहा जा सकता है यह टू कोयले की खदान के आवंटन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट आदि पर अपनी रिपोर्ट के चलते काफी चर्चा में रहा है कैग का रोल क्या है सरकार उसकी रिपोर्ट पर किस तरह से एक्शन ले सकती है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कैग का रोल क्या है इसका मेन रोल केंद्र और राज्यों के सभी सरकारी विभागों और दफ्तरों के अकाउंट्स को ऑडिट करना और चेक करना है इन विभागों और दफ्तरों में रेलवे पोस्ट और टेलीकॉम भी शामिल हैं इस सरकार की खुद की कंपनियों या उसकी तरफ से फाइनेंस होने वाली कंपनियों के खातों को भी स्क्रूटनी करता है केंद्र और राज्य सरकारों के अंदर करीब 1500 पब्लिक कमर्शियल कंपनियां और लगभग 400 नॉन कमर्शियल ऑटोनॉमस बॉडीज और अथॉरिटीज आती हैं यूनियन और स्टेट रेवेन्यू की तरफ से फाइनेंस पाने वाली चार हजार चार सौ अथॉरिटीज और बॉडीज भी कैग के दायरे में आती हैं। कैग कैसे काम करता है कैग ऑडिट को दो वर्गों रेगुलेटरी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट में बांटा गया है रेगुलेटरी ऑडिट जो कंप्लायंस ऑडिट भी कहलाता है में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है और देखा जाता है कि उसमें सभी नियम कानून का पालन किया गया है या नहीं परफॉर्मेंस ऑडिट में कैग ये चेक करता है कि क्या सरकारी प्रोग्राम शुरू करने का जो मकसद था वे कम से कम खर्च में सही तरीके से हासिल हो पाया या नहीं क्या कैग स्वतंत्र है कैग भारत के संविधान द्वारा स्थापित अथॉरिटी है और यह सरकार के प्रभाव क्षेत्र से बाहर है इसे सरकार की आमदनी और खर्च पर नजर रखने के लिए बनाया गया है कैग की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा होती है और पद से हटाने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के मामले में अपनाई जाती है इसकी सैलरी और सेवा की दूसरी शर्तें संसद द्वारा तय होती हैं और नियुक्ति के बाद उसमें इस तरह बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे इसको नुकसान हो कैग के ऑफिस के प्रशासनिक खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाले जाते हैं कैग की रिपोर्ट देने के बाद क्या होता है कैग अपनी रिपोर्ट संसद और विधानसभाओं की कई समितियों जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को देता है ये कमेटी रिपोर्ट की स्क्रूटनी करती है और फैसला करती है कि क्या उसमें सभी पॉलिसीज का पालन किया गया है ये भी देखता है कि क्या किसी सरकारी निकाय की तरफ से कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है फिर मामले को चर्चा के लिए संसद में पेश किया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है भारत ने जिस तरह की लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली अपनाई है उसकी रीढ़ यही है कि सरकारी खजाने में आने वाले सार्वजनिक धन को सही तरीके से खर्च किया जाए और उसमें भ्रष्टाचार ना हो सके इस धन में बंदरबांट और भ्रष्टाचार रोकने के लिए कैग को पहरेदार की भूमिका में खड़ा किया गया है इस लिहाज से कैग को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह हर मद में खर्च किए गए सरकारी धन के और दुरुपयोग की समीक्षा कर इस बात को सरकार के संज्ञान में अवश्य लाए कि गड़बड़ी आखिर कहां हुई है मंत्रालय एवं स्थायी समितियां पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भारतीय की संसदीय परंपराओं में स्थायी समिति बनाने की शुरुआत तो उन्नीस में हुई थी जब सर्वप्रथम तीन स्थायी समितियां बनी थीं। यह थी, थी कृषि विज्ञान एवं तकनीक और पर्यावरण मंत्रालयों की स्थायी समितियां। लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत उन्नीस में हुई जब विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की 17 विभागीय स्थायी समितियां अस्तित्व में आई थीं। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 24 हो गई है ये विभागीय स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालयों के तहत ही आती हैं। हमें ये समझना होगा कि इन स्थायी समितियों का कार्य केवल विधेयक पर सुझाव मांग उस पर चर्चा कर अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना ही नहीं है इनका पहला काम संबंधित मंत्रालय की बजट अनुदान मांगों पर विचार करना है इसके बाद इनके कार्यक्षेत्र में लोकसभा या राज्यसभा के सभापति द्वारा भेजे गए विधेयकों पर विचार करना होता है इनकी तीसरी जिम्मेदारी मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और अंतिम जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा सभापति द्वारा सदन में पेश हुए नीति निर्धारक दस्तावेजों पर विचार कर रिपोर्ट देना होता है स्थायी समिति को आम जनता और संसद के बीच की कड़ी भी माना जाता है संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा इनके पास भेजे गए किसी भी विधेयक पर ये आम जनता के साथ साथ विषय के जानकारों विशेषज्ञों और हितधारकों आदि की भी राय मांग सकती है और जांच के पश्चात सभी को सदन के पटल पर रखा जाता है गठन की प्रक्रिया संसद के कार्यों में विधता के साथ ही कार्यों की अधिकता भी रहती है सीमित समय होने के के कारण संसद समक्ष प्रस्तुत सभी विधाई या अन्य मामलों पर गहन विचार नहीं हो पाता अतः भार कम करने और समय बदता की दृष्टि से ही बहुत सा कार्य सदन द्वारा गठित समितियों को ही सौंपा जाता है संविधान के अनुच्छेद 118 के अंतर्गत दोनों सदनों द्वारा निर्मित नियमों के तहत संसद के दोनों सदनों की समितियों की संरचना अधिनियमित कुछ अपवादों को छोड़कर एक जैसी ही होती है मंत्रालयों और विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या चौबीस है जिसके क्षेत्र अधिकार में भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं इनमें से प्रत्येक समिति में इकतीस सदस्य होते हैं 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से जिन्हें क्रमशः लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति द्वारा नामांकित किया जाता है इन समितियों का कार्यकाल एक साल के लिए होता है विधेयकों को समिति के पास भेजने की बाध्यता नहीं किसी भी विधेयक को चर्चा और सुझाव के लिए स्थायी समिति के पास भेजना संवैधानिक बाध्यता नहीं है सरकार स्थायी समिति के पास भेजे बिना भी किसी भी विधेयक को सदन में पारित करवा सकती है रिपोर्ट मानने की बाध्यता नहीं संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार बिलों को संसद की स्थायी समिति के पास भेजे जाने का प्रावधान तो है लेकिन किसी भी बिल को पारित कराने से पहले यह कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है इसके अलावा इन स्थाई समितियों की सिफारिशें भी बाध्यकारी नहीं होती बिल पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की भूमिका ही अहम होती है ऐसे में किसी बिल को इस समिति में भेजे जाने की अनिवार्यता वाली सरकार की दलील तर्कहीन ही है इन स्थाई समितियों द्वारा रिपोर्ट देने की समय सीमा तय करने को लेकर भी अनेकों बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं वर्तमान में इन समितियों द्वारा किसी बिल की रिपोर्ट पेश किए जाने की कोई निश्चित सीमा अवधि नहीं है आज के इस व्याख्यान में हमें जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की वे इस प्रकार हैं: बजट क्या है इसकी समीक्षा करना बजट बनाने की प्रक्रिया की व्याख्या करना संसद में बजट पास करने की प्रक्रिया की विवेचना करना लोक लेखा समिति की व्यवस्था का मूल्यांकन करना महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना मंत्रालय एवं स्थायी समिति रिपोर्ट का विश्लेषण करना अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं नमस्कार